यूरोपीय पार्लियामेंट के मेंबरान ने एक बार फिर सदर और नायब सदर यूरोपीय कमीशन को खत लिखकर मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल से आगाह कर दिया। खत के मतन में कहा गया कि भारतीय सिक्योरिटी फोर्सेज ने मकबूजा कश्मीर के लोगों के इंसानी हुकूक मुनज़्ज़म और नाकाबिले बर्दाश्त हद तक सल्ब कर लिए हैं। बड़े अफसोस के साथ चौथी मरतबा मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों पर तवज्जो दिला रहे हैं। G20 इजलास के लिए हिंदुस्तान ने मकबूजा कश्मीर में मीडिया क्रैक डाउन किया। G20 ममालिक के श्रीनगर में इजलास का वाहिद मकसद मकबूजा कश्मीर में हालात के नॉर्मल होने का तासर देना था। इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियां और मीडिया क्रैक डाउन पर भारत से एहतसाब होना चाहिए। नायब सदर यूरोपीय कमीशन की जानिब से जवाबी खत में मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की बिगड़ती सूरतेहाल का एतराफ किया। मजलूम कश्मीरी जो 75 साल से इंडिया की दहशतगर्द फौज के जेर साया रह रहे हैं। नायब सदर यूरोपीय कमीशन ने कहा कि मकबूजा कश्मीर के मामले पर अपने उसूली मौकफ पर कायम है। हिंदुस्तानी हुकूमत को इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों के तमाम वाकयात की शफाफ तहकीकात करनी चाहिए।